जैन से है जहां अफजाल अंसारी के बयान का विरोध शुरू हो गया है। साधु संत पर दिए विवादित बयान पर अब विरोध शुरू हो गया। साधु संत अब नाराज हो गए हैं, बयान पर आपत्ति भी जताई है साधु संतों ने। दरअसल कहा गया है कि अफजाल अंसारी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अफजाल अंसारी ने कहा था कि गांजा एक तरफ लीगल भी है और इलीगल भी है। सांसद अफजाल अंसारी ने साधु महात्माओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है कि आतिक और अशरफ की याद आ रही इन्हें और बहुत्तर होर इनको बहुत जल्दी शायद देखना चाहते हैं, इसलिए साधु संतों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नियम कायदे और कानूनी संदेश में हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के माध्यम से बने हैं। कानून अगर बनाना है तो तीन तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए, अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। खबर सीहोर से है जहां श्यामपुर गांव में अभिभावक ही स्कूल पहुंचकर अतिथि शिक्षकों की परीक्षा ले रहे हैं। दरअसल हाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और परीक्षा लेने स्कूल की नवी की हिंदी की शिक्षिका को बोर्ड पर हिंदी के रसों के नाम और उनके स्थाई भाव लिखने के लिए कहा, जिस पर शिक्षिका सही से नहीं लिख सकी। श्रृंगार और हास्य जैसे शब्द को भी गलत लिखा। अब मामले की शिकायत स्कूल की प्राचार्य से की गई है। प्राचार्य और क्षेत्र के बीईओ ने कहा कि मामले की जाँच कर कार्रवाई के लिए डीईओ को पत्र लिखा जाएगा। इंदौर में एक एनएचएआई कर्मचारी के सुसाइड का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय युवक का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी थी, जिसके बाद वे अपनी प्रोफेसर पत्नी से मिलकर लौटा था। रात को उसने पत्नी को फोन किया और कहा कि कुछ गलत करने वाला हूं। उसके बाद शादी का सूट पहना और फिर उसी सूट के टाई को फंदा बनाकर फांसी लगा ली। जैसे इसकी खबर लसूड़िया थाने पुलिस को लगी, मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। कमलनाथ ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। पुलिस कर्मियों को महिला अपराधों से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग की मांग। स्कूलों में लगाए जाएं विशेष कैंप। बेटियों को सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में हर रोज सामने आ रही महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं निंदनीय है। प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां बेटियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने का इरादा नहीं रखती। प्रदेश में कानून व्यवस्था का भय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ये कहना है कमलनाथ का।